ठीक है। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मनहान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, जो मैं नर्सरी है। और आज हमारे पास गुड़गांव से जो आए हैं उनसे परिचय करवाएंगे और बताएंगे आज हमसे क्या क्या लेके जा रहे हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अभी तक हमारे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। तो आपका हमारे चैनल में और हमारी नर्सरी पर स्वागत है। तो आप ये बताइए कहाँ से आए हो? फरुखनगर गुड़गांव जिले से आए हम। यूट्यूब पर हमने सर्च करा था, आपकी हमें नर्सरी बहुत अच्छी लगी जी, इसलिए हम आए हैं। तो यहाँ से आज आप कितनी वैरायटियाँ हैं जो लेके जा रहे हो? बहुत वैरायटी, 58 वैरायटी। 58 वैरायटियाँ? हाँ जी, 58 वैरायटी। तो आपको यहाँ पे जो आके देखा, पूरी नर्सरी घूम के देखा, तो कैसी हमारी नर्सरी? बहुत अच्छा लगा, हर तरह के पेड़ पौधे यहाँ उपलब्ध हैं और वाजिब रेट। वाजिब रेट, हाँ, पेड़ स्वस्थ। पेड़ स्वस्थ, हाँ जी हाँ जी। आप मेरे हिसाब से 200 किलोमीटर करीबन चल के आए हो? हाँ जी। तो वहाँ से चल के बीच में नर्सरियाँ बहुत रह जाती है, बहुत है। तो क्या आपने वहाँ ट्राई करके देखा था या फिर सभी वैरायटियाँ वहाँ पे उपलब्ध हो सकती? नहीं थी वैरायटियाँ नहीं थी उपलब्ध नहीं। यहाँ पे एक जगह आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ के पौधे की हेल्थ कैसी है? अच्छी है, स्वस्थ लगा हुआ पौधा। आपने सभी वैरायटियाँ हमारे जो नर्सरी पे लगी हुई देखी है? स्वस्थ पेड़ है जी सब। तो हमारे हमने प्लांटेशन कर रखी है, फ्रूट भी देखा, फ्रूट भी लग रहे हैं, अमरूद भी लग रहे हैं। आपने जो पौधा लिया उस पे भी अमरूद किए? अमरूद लगे हुए हैं, नींबू भी लग रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि सभी वैरायटियों पे फ्रूटिंग पे हैं या फिर आ जाएंगे? और जो हमारी नर्सरी पे प्लांटेशन हो रखी है, जैसे आपने मोटा मोटी बताइए आपने जो क्या क्या लिया है, जो आपको नॉर्मली याद हो वो चीज। ज़्यादातर तो फ्रूट्स के प्लांट्स हैं, फिर कुछ में कुछ टिम्बर के भी है, बांस है, कदम का पेड़ है, छाया के लिए चंदन है, मसाले के पेड़ हैं सारे। मसाला आपने सारा लिया है? हाँ जी। मतलब फ्रूट के तो आपने सारे लिए हैं, साथ में मसाले के मसाले भी लिए हैं। फ्रूट्स वो भी लिए हैं जो ज़्यादातर मिलते नहीं है यहाँ पे, रेयर वैरायटी भी है। सीताफल है? सीताफल, हाँ जी। आम के हमारे पास 20+ वैरायटियां हैं। आम की वो वैरायटी जो पूरे साल फ्रूट देती है वो भी लिया है। एक बार में जो कटीमन जो नई वैरायटी आई वो एक साल में 3 बार फ्रूट देती है, वो भी लिया है। तो कुल मिला के आपने जो सारी वैरायटियां थी वो हमसे ले ली है। हाँ जी। तो अभी आपका प्रोग्रामिंग क्या है, मतलब इतनी वैरायटियां लगाने का लक्ष्य क्या है? अभी हम अपने 1.5 एकड़ का हमारा फार्म है, उसमें हम ये एज ए ट्रायल हम यूज कर रहे हैं। तो जो जो पेड़ हमारे वहाँ एनवायरमेंट में सक्सेस होगा, वैसे तो ज्यादातर हो ही जाएंगे, वो तो आपने लगा दिया। हाँ जी, हमारे यहाँ पे और आपका हमारा क्लाइमेट सेम सा है। तो जो जो अच्छे से ग्रो करेगा फिर उसका बड़े लेवल पे हम फार्मिंग करेंगे। बड़े लेवल पे मतलब 2-4-5 एकड़ में आप लगा? हाँ जी हाँ जी। इसका रिजल्ट सबसे बढ़िया रहा, सबसे अच्छा रहेगा, कमर्शियल लेवल पे जो सही प्रोडक्शन देगा वो। और आपने बेरी भी ली हमसे, 5 वैरायटी? हाँ जी, बेरी ली है। और ड्रैगन फ्रूट लिया है? हाँ जी। लीची ली है। अमरूद में आप हमारे पास 10 वैरायटी है। आड़ू भी लिया? आड़ू लिया है। जामुन लिए है, चीकू लिया, कदम। हाँ जी, मतलब जो आपने कहीं जो अशोक का पेड़, जो पॉजिटिव अशोक का पेड़ होता है पुराने जमाने में जहाँ सीता बैठती थी, वो वाला पेड़ भी हमें यहाँ मिला है। नेगेटिव अशोक नहीं, हाँ, पॉजिटिव वाला मिला है। जो कि जो लंबे बनने वाला होता है, एक वो अशोक आता है और एक अशोक आता है जो चारों तरफ फैलता है, वो वाला हमें यहाँ मिला है जी। तो अगर आप जो हमारे देखने वाले हैं उनको क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर किसी को पौधों की जरूरत हो, एक बार यहाँ आके एक बार ट्राई जरूर करें। सस्ते और अच्छे पौधे यहाँ मिलते हैं। और लोगों का स्वभाव यहाँ है जो बहुत अच्छा लगा, मिलके सब अच्छी तरह काम करते हैं। एक ये बताओ कि यहाँ पे जो आपने देखा अभी, एक तो ये वैरायटी जेन्युइन है, हमारी एक खासियत रहती है कि हम जो हमारे पास है वही बताएंगे। मान ले आपने मांगा कि हमसे गुलाबी कटल, हमारे पास है नहीं, हमारे पास हरा रखा है, नहीं जो पौधे नहीं है आपने मना कर दिया, ये नहीं है, ये नहीं है, उसमें ये नहीं कि आप ये भी लेंगे, आगे आने वाले टाइम में मिलेंगे, अभी इस टाइम खत्म हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो अगर कोई रेयर ऐसी वैरायटी हो या हमारे पास नहीं है तो हम ये नहीं कि उसकी जगह ये ले लो, आगे उपलब्ध करा देंगे, उपलब्ध करवा देंगे, आपके पास पहुंचा देंगे, हमारा रूट है तो। हाँ जी, अगर और एक दो पौधे के लिए आपको तंग नहीं होना, हमारी गाड़ी उधर उस रूट पे जाएगी तो आप वहीं से पिकअप कर लेना। पिकअप बिल्कुल। तो अगर आपको सारे पौधों की लिस्ट चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे पूरी लिस्ट भी है। और कोशिश करिए या तो हमारी नर्सरी विजिट की, यहाँ पे पूरा घूम के देखिए, आपको पता चलेगा कि हमारे पास कैसी वैरायटियां हैं और कैसे पौधे हैं। तो हम भी यही सोच कर आए थे, देखते हैं क्या मिलेगा, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा, सब कुछ मिल गया हमें, और किसी नर्सरी में अब जाने की जरूरत नहीं, जरूरत ना है। मतलब ये है कि एक मन करके आते हैं बंदा कि वहाँ पे वो चीज मिले। हाँ जी। तो वो चीज आपको वहाँ मिल गई? हाँ जी। मतलब ये ना रहा मन में कि हम इतनी दूर 200 किलोमीटर चल के आए और हमें वो चीज ना मिली, एक जगह से ही हमें मिल गई और वैरायटी मिल गई, अपने घर का सा माहौल लगा। ये नहीं है कि नहीं नहीं, हाँ कोई वो बात नहीं कि भाई अच्छी तरह रिस्पेक्ट करी हमारी। खाना अगर किसी को भूख लगती है तो पूरा प्रबंध मतलब खूब अच्छी तरह वो करा है।
चलो तो मैं सभी देखने वालों का कहता हूँ कि एक बार हमारी नर्सरी विजिट जरूर करें। हमारे पास सभी तरीके के पौधे हैं वो उपलब्ध हैं, वाजिब रेट में और हेल्दी कंडीशन में पौधे हैं वो मिलेगा। और स्पेशल सफ़ेद चंदन और अमरूद हमारे पास विशेष तौर पर क्वांटिटी में रहता है, आपको कभी भी यूज करने की जरूरत नहीं है कि इनके पास मिलेंगे ना मिलेंगे, वो हमारे पास हज़ारों लाखों की संख्या में आप जब चाहें उठा सकते हैं। तो सभी काम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय हिंद।